तो देश में योजनाएं चाहे कितने भी बन जाए, जब तक ये योजनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंचती, उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है। इसी कड़ी में किसानों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कभी तेज बरसात होती है, कभी बाढ़, कभी छुट्टा जानवर और कड़ाके की ठंड। आज खेती किसानी कहीं ना कहीं चैलेंज बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि आज का जो किसान है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात का किरदार हल्कू बन चुका है। आपको बता दें कि जो हल्कू जो किसान था, मुंशी प्रेमचंद का जो एक कहानी का जो किरदार था, वो जो है उस समय महाजन से कर्जा लेकर अपने खेत को बोता है और ये सोच के बोता है कि जब इसकी फसल तैयार होगी तो उस फसल से जो हिस्सा मिलेगा, कमाई का हिस्सा मिलेगा, उसको जो है महाजन को देगा और कुछ हिस्से से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। हल्कू द्वारा रात को, पूस की रात थी, अपने फसल को रखवाली के लिए वो जो है खेत के बीचों बीच में जो है रुका पड़ा था। उसके साथ एक कुत्ता था झब्बर, जो उसकी रखवाली कर रहा था, खेत की रखवाली कर रहा था। उसके साथ अचानक हल्कू जो है उसे रात में जो जब ठंड लगी तो उसने अपने आप, जी आप इस कड़ाके ठंड में रात के 10 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं कि आप डिब्बा और लकड़ी लेकर क्या कर रहे हैं? आप रखवाली कर रहे हैं अपने खेत का। किससे रखवाली कर रहे हैं? गेहूं का। आप यहाँ पर कब से रखवाली कर रहे हैं? अरे एक 15 दिन से। 15 दिन से लगातार रखवाली कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, जो सरकार से आपको क्या उम्मीद है कि मतलब सरकार क्या करेगी? क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? ठंड लग रही है। ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कुछ और किसान है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे उनको दिखाएं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप इस कड़ाके ठंड में, हर कपाड़े ठंड में जहाँ पर सब सो जाते हैं और आज देख रहे हैं कि आप इस कड़ाके ठंड में डंडा लेकर और अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, फसल की रखवाली कर रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आ पड़ी है कि आप जो है आज ठंड में, इस हार कपाने ठंड में आप यहाँ पे अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं? छोटा पशु की वजह से हम लोगों को आज 20 दिन से रखवाली करना पड़ रहा है, करें मजबूर हैं हम सब। तो जैसा कि भी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ किसान मिले, किसानों का कहना है कि सरकार ने गौशालाएँ तो बनाई हैं लेकिन उन गौशालाओं में पशु नहीं है। तो और उनका ये कहना है कि ये रात रात भर जाग कर अपने फसल की रखवाली कर रहे हैं और सरकार से ये इनका कहना है कि सरकार के तीन तीन यानी कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं, यदि नियमित क्षेत्र का भ्रमण किया जाए और पशुओं की समस्या से इनको निजात दिया जाए, जो छुट्टा पशु हैं, तो शायद इनकी फसल बच जाए। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो किसान है उसकी स्थिति आज भी नहीं बदली है। जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के जो किरदार है हल्कू, महाजन से कर्ज लेता था, तो आज ये किसान केसीसी से, बैंक से कर्ज लेकर अपनी फसल को इस उम्मीद के साथ बोते हैं, रखवाली कर रहे हैं कि शायद फसल बच जाए और इस फसल से जो उपज प्राप्त होगी उस उपज का कुछ हिस्सा बेचकर सरकार को, जो केसीसी लेते हैं उसको चुकाएंगे और कुछ हिस्सा से अपने जीवन यापन करेंगे। अब देखना यह है कि इनकी कोशिश कितनी रंग लाती है, इनकी फसल बच पाती है या नहीं बच पाती है, क्योंकि हालांकि कोशिश तो इनकी ये है रात रात भर। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, आप इस कड़ाके ठंड में, पूस की रात में लगभग 10:30 बज चुके हैं, यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं खेतों में आप? गेहूं रखाया जा रहा है, कोड़ार जो है उसको रखाया जा रहा है, विभिन्न छोटा पशु से, लीलगा से, मणैला से, कुलसी से सांसत है। अगर पशु आ रहे हैं उनको खदे रहे हैं तो बड़ैला डंडी आ जाए वो भी मार दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको रखा रहे हैं। आपने इस समय अपने खेतों में क्या क्या फसल लगा रखा है? आलू है, गोभी है, टमाटर है, प्याज है, मटर सरसों है, कुल खा ले रहे हैं इसीलिए रखा है। आप अपनी फसल को किन किन जानवरों से रखा रहे हैं? सांड है, बड़ैला है, लीलगा है, ये सबसे रखाना पड़ रहा है। आप क्या, सरकार जो कह रही है कि हमने गौशालाएं बनाई हैं, गौशालाएं को रख, वो सारे छुट्टा पशुओं को वहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या दिक्कत, क्यों दिक्कत पैदा हो रही है? गौशाला में अगर जाओ वहाँ लेके कहो जाए हम लोग ला रहे हैं, गाय ला रहे हैं, ये नहीं रुक रही हैं गाय लोग, साँड हैं, तो वहाँ गौशाला वाले कहते हैं कि हम फुल रखा लिया, हम पछेटा भी चाहिए छोटी छोटी,
यानी बड़ी जानवर हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, इसीलिए वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, मजबूर होकर सब छोड़ दे रहे हैं। इसलिए आप अपनी फसल को बचाने की रखवाली कर रहे हैं? इसीलिए हम रखवाली कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी राधेश्याम जी हैं, प्रदीप जी हैं, अन्य किसानों से बात हुई जो अपनी फसल को रखा रहे थे इस पूछ की रात में, तो इनका कहना है कि जो है सरकार ने गौशालाएं तो बनाई, लेकिन उन गौशालाओं में कुछ गौशालाओं को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक गौशालाओं में कोई पशु अभी तक नहीं है, अगर हैं भी तो शर्त के अनुसार रखे जा रहे हैं, केवल छोटे छोटे पशुओं को रखा जा रहा है, बड़े पशुओं को छोड़ दिया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार ने अगर इस तरफ कदम नहीं उठाया तो अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और जिसका पैदावार पे भी फर्क पड़ेगा, और अगर पैदावार कम होगी तो सरकार के द्वारा जो गेहूं के खरीद का लक्ष्य निर्धारित होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। धर्मेंद्र द्विवेदी, रफ्तार मीडिया, बस्ती।